वट शेड़ी लुआंग, ये यहाँ पर सबसे फेमस मंदिर है, सबसे हैपनिंग जगह, एटीएम, मनी एक्सचेंज, हर चीज यहाँ पर अवेलेबल है। मुझे कोई आइडिया नहीं था उसके बारे में। हर जगह लाइव म्यूजिक पब वगैरह देख रहा हूँ मैं, तो वहाँ पर आपको हर तरीके का खाना मिल रहा है। मैं आपको लेके जाने वाला हूँ इस जगह पे भी। भाई साहब ये भी बहुत ज्यादा फेमस है चेंग मई में, तो तरह तरह के कपड़े, रंग बिरंगे कपड़े आपको मिल जाएंगे, ज्वेलरीज मिल जाएंगी। बैंकॉक इज अ बिग सिटी, वहाँ पर ऑब्वियसली लोग जो हैं वहाँ पर थोड़े एरोगेंट होंगे, थोड़े बदतमीज होंगे। 1 for 40, 3 for 100 यहाँ का जो आइकॉनिक टेम्पल है वहाँ पर आपको लेके जाने वाला हूँ। गाइज रात में तो ये जगह और भी ज़्यादा प्यारी हो जाती है यार, पता नहीं लोग बैंकॉक को इतना क्यों पसंद करते हैं, मेरे को तो ऐसी जगह ज़्यादा पसंद आती है ही इतनी प्यारी। बीच में रोड देख रहे हो, बीच में लेक सी बनाई हुई है, फाउंटेन्स हैं आगे पीछे, और एक गेट है पुराने। आपको मैं पैदल इसलिए घुमा रहा हूँ ताकि इस जगह के बारे में आपको कुछ बता सकूँ, इस जगह के बारे में इंफॉर्मेशन दे सकूँ आपको। गाइज लुक एट दिस, ये स्पा है यहाँ का, कितना प्यारा बनाया है यार, बिल्डिंग कितनी प्यारी है। मन तो कर रहा है कि अंदर एक बार फ़ोटोज़ तो लेके आऊँ, फ़ोटोज़ नहीं तो कम से कम एक बार वीडियो तो बनाने जाऊँ, वाई नॉट, जा तो सकते ही हैं। गाइज लकीली मैं कहीं पे भी यहाँ पर जा रहा था ना, वो जगह बहुत ज़्यादा फेमस निकलती थी बाद में, मुझे पता चलता था। आगे भी मैं जिन क्लब और पब की लेन में जाऊँगा ना, वो यहाँ की सबसे हैपनिंग जगह है, और वो प्राइवेट एरिया है, तो आई डोंट थिंक मैं उसकी वीडियो बना सकता हूँ, आप बाहर से बेच लीजिए। और ये जो मैं स्पा आपको दिखा रहा हूँ भाई साहब, ये भी बहुत ज़्यादा फेमस है चेंग मई में। या तो यहाँ पर आयरिश बहुत है, वरना इनको अलग ही प्यार है आयरिश लोगों से, क्योंकि यहाँ पर हर जगह मैं देख रहा हूँ कहीं पर आयरिश क्लब है, कहीं पर आयरिश कैफ़े है, पब है, और मेरा तो हॉस्टल ही आयरिश है, आयरिश है वो, आयरिश, आयरिश नहीं है, आयरिश है। यहाँ पर पैकेजेस वगैरह हैं पाई के और बाकी जगहों के, मनी एक्सचेंज का आगे भी लग जाएगा, मिल जाएगा। और यहाँ पर पूल टेबल है, फ्री पूल एंड आर, मतलब गेम आप फ्री में खेल सकते हो। बुक्स, मतलब बुक्स भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर बिक रही हैं भाई, बुक्स यहाँ पर लोग शौकीन लग रहे हैं बुक्स पढ़ने के, बहुत चिल सीन है यहाँ पे, बहुत स्लो, बहुत शांत, बैंकॉक से बिल्कुल ही ऑपोजिट है। बढ़िया है, मुझे मज़ा आ रहा है यहाँ पे। लेकिन पुराने टाइप के यहाँ पर रेस्टोरेंट्स बनाए हुए हैं, होटल भी आप काफ़ी पुराने पुराने स्टाइल के देखेंगे, कई जगह चाइनीज़ भी लिखा हुआ है, कोरियन भी लिखा हुआ है, शायद वो उनके रेस्टोरेंट्स के बारे में लिखा हुआ है। न्यू दिल्ली इंडियन रेस्टोरेंट, नई दिल्ली का इंडियन रेस्टोरेंट, ठीक है भाई, बढ़िया भाई, मेरे को देख के बाहर तो आ रहा है। हाँ जी सर, कैसे हो? बढ़िया जी, बढ़िया। व्लॉग बन रहा है? हाँ व्लॉग बन रहा है। अच्छा, सो ये भाई का, आपका है रेस्टोरेंट? नहीं, मैं तो काम करते हैं। काम करते हैं, आप कहाँ से हैं? नेपाल से? नहीं नहीं, मैं तो इंडिया से। इंडिया से? इंडिया में कहाँ से? उत्तराखंड से। उत्तराखंड से हो? अरे वाह, तो ये भाई का कुछ मेन्यू है यहाँ का। हेलो, गुड इंडियन फूड। लोग खाते हैं यहाँ पर इंडियन ज़्यादा? इंडियन तो कम ही आते हैं। इंडियन तो नहीं आते होंगे वैसे, गोरे आते हैं? बहुत बहुत सारे। अच्छा, चलो सही है यार, बढ़िया। क्या सबसे अच्छे यहाँ पर आपका क्या है? हमारा तो ये सारा स्पेशल की हांडी, पनीर हांडी सबसे ज़्यादा। पनीर, चिकन हांडी में कुछ ऑप्शन है आपके पास? लैम ले लो, चिकन ले लो, सब कुछ अच्छा है। चलो भैया ने मुझे एकदम टिपिकल आंसर दिया, सब कुछ अच्छा है, बट पनीर हांडी सबसे पहले बोला, तो पनीर हांडी आप ट्राई कर सकते हैं जब भी आ रहे हैं। थैंक यू भैया, थैंक यू, बाय बाय। यहाँ पर कुछ है आगे? यहाँ पे बार है, और बार नहीं, बार में नहीं जाना। और कुछ अंदर पूरे मार्केट है, पीछे मार्केट है, तलाब है, तालाब है, देखता हूँ। थैंक यू भैया। और गाइस जिस लेन में अभी मैं जाने वाला हूँ ना, वो ही है यहाँ की सबसे हैपनिंग जगह, और मुझे कोई आइडिया नहीं था उसके बारे में। क्या तो बवाल नाइट होती है यार, अगर आपको चेंग मई की नाइट लाइफ इंजॉय करनी है ना, तो दिस इज़ द बेस्ट प्लेस फॉर यू गाइस। और यहाँ पर ये छोटी सी कुछ मार्केट स्टार्ट हो जाती है, यहाँ पर आपको पब वगैरह मिल जाएंगे, येलो पब, जोई इन, ये दोनों आमने सामने सेम ही पब हैं।
थैंक यू। काफ़ी चिल वाइब है अब यहाँ पर, थोड़ा लग रहा है कि हाँ काफ़ी चिल वाइब है। कैन स्मूड एंजॉय रॉक म्यूजिक विद अ लेवल लाइव बैंड। यहाँ पर डेफिनेटली मज़ेदार होगा माहौल, बट अभी शांत है क्योंकि शायद अभी टाइम नहीं हुआ इसलिए। और काफ़ी सही लग रही है यार ये तो, यहाँ पर हर जगह लाइव म्यूजिक और पब वगैरह देख रहा हूँ मैं इस साइड है पूरे। ये मेरे हॉस्टल से लेफ्ट लेते ही है जहाँ पर मैंने एक्सचेंज करवाया था। रूट्स रॉक रेगे और लाइव बैंड मैं हर जगह देख रहा हूँ यहाँ पर लाइव बैंड। ये क्या हो रहा है, ओपन 7 ओपन 5 एंड 5 बजे खुलता है, 12 बजे बंद हो जाता है। आउटसाइड फूड एंड ड्रिंक्स नॉट अलाउड। अच्छा इसके अंदर नॉट अलाउड आउटसाइड फूड एंड ड्रिंक्स। अच्छा ये पूरा इन्होंने सेटअप बनाया हुआ है, यहाँ पर खाने पीने के आइटम्स मिल जाएंगे, सामने परफॉर्मेंस होती है। वो भाई साहब बजाने की तैयारी कर रहे हैं और स्टॉल्स वगैरह रखे हुए हैं, लगे हुए हैं खाने पीने के। ओ काफ़ी सही, ये तो नहीं गा रहा यार। हाँ ये नहीं गा रहा, ये बज रहा है, मुझे लगा ये गा रहा है। इतना बढ़िया, फैन हो जाता मैं तो इसका। गाइस चेंग में जो मुझे अभी तक फ़िलहाल समझ में आया, काफ़ी स्लो है, लेट बैक लाइफ है यहाँ पे, और शांति जिसको चाहिए तो वो यहाँ पर आ सकते हैं। मतलब बहुत डिफरेंस है यार ऑब्वियसली। मतलब ये समझ लो कि हम लोग हनोई गए थे सापा के बाद। सापा तो चलो अलग ही चीज़ है, वो हिल स्टेशन है, बट वैसा ही कुछ कंपैरिजन समझ लो कि वो एकदम शांत। सापा वैसे शांत नहीं था, मतलब ये समझ लो कि हुई गए थे हम लोग वियतनाम में और हनोई या होचमिन, तो वैसा डिफरेंस आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। काफ़ी चिल वाइब है, तालाब वगैरह हैं आसपास, रोड इतनी प्यारी है, लोग इतने प्यारे हैं, सब कुछ सस्ता है और मज़ेदार है देखने में। देखने के लिए यहाँ पर आसपास जो जगहें हैं वहाँ पर आप जा सकते हैं, लाइक चेंगरेई जा सकते हैं आप लोग, पाई जा सकते हैं आप लोग, और जहाँ पर मैं कल आपको लेके जाने वाला हूँ हाईएस्ट स्पॉट है वो थाईलैंड का, मैं आपको वहाँ पर लेके जाने वाला हूँ। और ये बाइक यहाँ पर बहुत कॉमनली चलाई जाती है, इसी से मैं अपनी बॉल्ट करके आया था। बॉल्ट मतलब जो यहाँ पर ग्रैब चलती है ना, बॉल्ट भी एक एप्लीकेशन है जो सबसे कम रेट दे रही है अभी फ़िलहाल, बाकी वही बढ़ाई देगी आगे जाके। इनिशियली सारे यही करते हैं, जब न्यू एप्लीकेशन आती है वो कम ही पैसे देती है, तो कम ही पैसे चार्ज करती है। और यहाँ पर मैं देख रहा हूँ ये हार्ले वगैरह बहुत चल रही है, ये बाहर जो आप खड़ी देख रहे हैं बहुत चल रही है। और एंशियंट आप घर मिल जाएंगे आपको यहाँ पर, काफ़ी सारे मंदिर मिल जाएंगे बहुत सारे आपको यहाँ पे। तो और वेदर भी बैंकॉक में तो सड़ी गर्मी पड़ती है, यहाँ पर प्लेजेंट तो मैं नहीं बोलूँगा बट हाँ अच्छा वेदर है, बुरा नहीं है। ये एक और मार्केट है यहाँ पर जो 4 से 10 बजे तक ओपन होती है, इस तरफ बता रहे हैं। काफ़ी सारी मार्केट यहाँ पर बनाई हुई है, ऐसा नहीं है कि एक ही मार्केट है, आसपास के एरिया में जितनी जगहें हैं हर जगह पे इन्होंने मार्केट बनाई हुई है, हर जगह पे कुछ कुछ बनाया हुआ है। जैसे वो पब वाली पे मैं अभी लेके गया था स्ट्रीट पे, आपको वहाँ पर सारे पब ही हैं और हर तरीके के पब हैं, ऐसा नहीं कि एक तरीके, हर तरीके पब हैं। और कई मार्केट ऐसे हैं जहाँ पर हर तरीके के खाने आपको मिल जाएंगे। जिस मार्केट से मैं आ रहा था वहाँ पर आपको हर तरीके का खाना मिल रहा है, इंडियन मिल रहा है, मैक्सिकन मिल रहा है, इटालियन मिल रहा है, जापानीज़ मिल रहा है, कोरियन मिल रहा है, मतलब हर तरीके का खाना वहाँ पर आपको मिल रहा है। 1296 में चेंगमई फाउंड हुआ था और इसको रोज ऑफ द नॉर्थ भी बोलते हैं। काफ़ी हिस्टोरिकल सिग्निफिकेशन होल्ड करता है ये, लाना किंगडम की काफ़ी टाइम तक, काफ़ी सेंचुरीज तक ये कैपिटल रहा था। लाना किंगडम कौन है वो आप गोल करेंगे आपको पता चल जाएगा, अगर मैं आपको बताऊंगा तो काफ़ी लंबी हो जाएगी वीडियो। तभी यहाँ पर आप देखते हैं ना ये गेट वगैरह बनाए गए हैं, ये उसी टाइम के। और यहाँ का एक वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक लैंडमार्क है वट फरा दैट दाई से थुप, अगर मैं सही से प्रोनाउंस कर रहा हूँ तो यही नाम है। लोगों का मानना है कि जब कंस्ट्रक्ट हो रहा था वट फरा दैट दाई, तब वाइट एलिफेंट
वाइट एलिफेंट में, वाइट एलिफेंट ने उसको बनने में हेल्प करी थी, वो सामान ले जा रहे थे कंस्ट्रक्शंस के लिए। तो ये इन लोगों का मानना है, ये माउंटेन साइड पे बना पड़ा है और कल मैं आपको लेके जाने वाला हूँ इस जगह पे भी। ये दोनों जगह जो मेन आइकॉनिक जगह है यहाँ पर जो इसके पास में है, ये तो चेंगमई में ही है और दूसरा थोड़ा दूर है, थोड़ा क्या काफ़ी दूर है, बट मैं आपको वहाँ पर भी लेके जाऊँगा। द हाइएस्ट पॉइंट ऑफ थाईलैंड, वो मैं आपको लेके जाऊँगा, हाइएस्ट स्पॉट ऑफ थाईलैंड, वन ऑफ द सेम थिंग। बट फॉर दैट डाई आप जब जाएंगे तो आपको पूरी सिटी का अच्छे से नज़ारा मिल जाएगा। जैसे हम लाओस में गए थे लुआंग प्रबांग में, उस जगह मैं नाम भूल रहा हूँ, तो जब उधर हम लोग गए थे तो पूरी सिटी के नज़ारे आपको अमेजिंग तरीके से मिल रहे थे। सनराइज़ के टाइम पे अलग मिलता है, सनसेट के टाइम पे अलग मिलता है, सनसेट के टाइम पे ज़्यादा मज़ा आता है वहाँ पर। तो आई वुड सजेस्ट कि आप सनसेट के टाइम पे जाएं, नीचे नाम लिखा हुआ आ रहा होगा, बिकॉज मैं भूल रहा हूँ, मैं आपको बता नहीं पा रहा। और चेंगमई अपनी ओल्ड सिटी के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, बिकॉज इसकी ओल्ड सिटी जो है वो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आती है। यहाँ पर आपको 30 से भी ज़्यादा पुराने एंशियन टाइम के टेंपल मिल जाएंगे। ऐसा नहीं है कि वो बहुत चौड़ी चौड़ी जगहों पे बने हैं, वो गली कोचों में भी बने हुए हैं, रिवर साइड पे भी बने हुए हैं, मतलब हर जगह पे आपको वो पुराने मंदिर भी मिल जाएंगे। 30 से ऊपर मंदिर हैं यहाँ पे। और जो सबसे फेमस यहाँ पर मंदिर है जिसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, वट शेड़ी लुआंग, ये यहाँ पर सबसे फेमस मंदिर है और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है बुद्धिस्ट कल्चर में। यहाँ पे नाइट बाज़ार मैंने आपको दिखा दिया कहाँ पर लगती है, लोकल बाज़ार ही मैंने आपको दिखा दिया कहाँ पर लगता है। वहाँ पर जब आप जाएंगे तो एक मिनट, मुझे भैया से कुछ पूछना भी है। वहाँ पर जब आप जाएंगे तो आपको तरह तरह के खाने मिल जाएंगे, लोकल क्यूजीन मिल जाएंगे और बाहर जैसे मैक्सिकन इटालियन भी मिल जाएगा, बिकॉज काफ़ी तरीके के टूरिस्ट भी आते हैं, लोकल के साथ साथ टूरिस्ट भी वहाँ पर बहुत जाना पसंद करते हैं। तो तरह तरह के कपड़े, रंग बिरंगे कपड़े आपको मिल जाएंगे, ज्वेलरीज मिल जाएंगी और सुवेनियर्स मिल जाएंगे, तो काफ़ी कुछ आपको उस मार्केट में मिल जाता है जैसे कि बाकी नाइट मार्केट्स में आपको मिल जाती हैं चीज़ें। तो अभी तक जो मैंने फील करा है चेंगमई को लेके, यहाँ पर आपको रिच हिस्ट्री मिल जाएगी, ओल्ड टेंपल मिल जाएंगे, एंशियंट घर मिल जाएंगे और नाइट का जो सीन है यहाँ पे मुझे बहुत अमेजिंग लग रहा है अभी से ही। और जैसी रात बढ़ती जाएगी, आई एम श्योर वो जिस जगह में, जिस गली में आपको लेके गया हूँ जहाँ पर पब ही पब है, वहाँ पर बहुत मज़ा आने वाला है। इन शॉर्ट सबका एक मिलता जुलता मिक्सचर है ये चेंगमई, आपको सब कुछ करने को यहाँ पर मिल रहा है और सबसे बड़ी चीज़ काफ़ी चीप है, बैंकॉक से आधे रेट्स में है यहाँ पर सब कुछ, हाफ रेट पे रहना, हाफ रेट पे, हाफ से भी कम है इनफैक्ट, और खाना पीना वो भी कम है। 7-Eleven जाएंगे वो तो सेम ही रेट है, लेकिन 7-Eleven में काफ़ी सारी वैरायटी आपको मिल जाती है। मैंने अभी लास्ट टाइम जब जहाँ मैं गया था 7-Eleven, वहाँ पर मैंने वीडियो भी बनाई थी, आपको देख भी होगी पहले या तो मैं अभी शो कर रहा हूँगा आपको। भाई काफ़ी सारे हलाल आइटम्स के वहाँ पर आपको आइटम्स मिल रहे थे जो आप वहाँ पर खा सकते हैं, तो मेरे को तो काफ़ी बेटर लगा। मैं इनफैक्ट बेटर क्या बोलूँगा, वो कैपिटल है, वो इट्स अ बिग सिटी, बैंकॉक इज़ अ बिग सिटी, वहाँ पर ऑब्वियसली लोग जो हैं वहाँ पर थोड़े एरोगेंट होंगे, थोड़े बदतमीज़ होंगे, क्रैंकी भी होते हैं, बिकॉज नींद वींद पूरी नहीं होगी या तो कुछ भी हो सकता है जैसे होता है बड़ी सिटी में। और ये छोटी सिटी है, ये लोग टाउन भी बोलते हैं इसे, तो इसलिए यहाँ के लोग भी प्यारे हैं, ट्रेडिशनल फॉलो करते हैं, लेके चलते हैं अपने साथ, और गेस्ट जो आता है, टूरिस्ट जो आता है उससे बहुत तहजीब से बात करते हैं। तो ये फ़र्क है चेंगमई और बैंकॉक में। और लॉटरी पूरे थाईलैंड में मैं देख रहा हूँ हर जगह पर है, और ATM की यहाँ पर कोई कमी नहीं है, हर जगह मैं देख रहा हूँ भरा पड़ा है ATM, मनी एक्सचेंज, हर चीज़ यहाँ पर अवेलेबल है। और बुक्स मैंने यहाँ पर ज़रूर देखी है कि हर जगह बुक्स आपको ज़रूर मिल जाती है। यहाँ पर मैं ट्राई करूँगा कि अगर यहाँ पर फ्रिज मैग्नेट वगैरह होगी तो देखूँ वो कितने की है, 150 baht, 60 ओल्डर, मतलब ये पुरानी बुक्स भी यहाँ पर लोग बेचते हैं। डू हैव फ्रिज मैग्नेट्स एज़ वेल, फ्रिज मैग्नेट्स, या ओके ओके, 1 for 40, 3 for 100, तो ये प्राइस सिमिलर है जो आपको बैंकॉक में मिल रहा था। चेंगमई का है ये, और मुझे चाहिए थाईलैंड का, पूरा थाईलैंड का, वो चेंगमई का है खाली। सो यस, अभी जैसे ये पीछे मोहतरमा थी, ये भी थोड़ी खड़ूस से लग रहे थे मेरे को। एनीवे,
सो दिस इज़ इट फॉर द वीडियो गाइज, होप आपको वीडियो इंटरेस्टिंग लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करना मत भूलना, एंड सब्सक्राइब और ज्वाइन का बटन तो प्लीज़ दबा देना। कल मैं जाने वाला हूँ द हाइएस्ट स्पॉट ऑफ थाईलैंड, एंड उसके बाद मैं यहाँ का जो आइकॉनिक टेम्पल है वहाँ पर आपको लेके जाने वाला हूँ। और ये था चेंगमई का पूरा ए टू जेड चिट्ठा जो मैंने आपको बता दिया। आप कभी भी चेंगमई आ रहे हैं तो आप ये सारी चीज़ें चेंगमई से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब मैं इस वीडियो को एंड कर दूँगा ताकि मैं भी इस मार्केट के थोड़े मज़े ले सकूं। वीडियो बनाते बनाते मज़े नहीं ले सकते आप खाली वीडियो बना सकते, एक जगह फोकस रहता है। टिल देन दिस इज इट फॉर द वीडियो, मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए, देखते रहिए दिल्ली वाला अरमान। पीस बूम गाइस, यहाँ पर ना ये शॉप है, इधर बीज भाट में सब कुछ मिलता है। I'm a traveling spirit, I've seen many shows, from the West Pacific to the island of Kenya. They treat